गाइस आज की वीडियो में मैं आपको पेटीएम एप्लीकेशंस के अंदर में अगर आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो गाइस मैं आपको बैंक अकाउंट को ऐड करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप उसमें बैंक अकाउंट को ऐड करोगे। ऐड करने के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली अपनी पेटीएम एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है क्योंकि इसी की मदद से हम जो यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन कर लोगे तो आपके सामने होम इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अभी गाइस आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको आपकी यूपीआई आईडी भी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर बैलेंस चेक कर सकते हो। पेटीएम बैंक का अगर आपका इसमें अकाउंट है तो यहाँ पर जाके उसको देख सकते हो, पेटीएम वॉलेट देख सकते हो। पर्सनल लोन यहाँ पर आपको दिया हुआ है लेकिन गाइस हमें बैंक अकाउंट को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आपका प्रोफाइल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर साइड में थ्री लाइन्स भी, दोनों ही एक ही साथ है गाइस। तो आपको अपने प्रोफाइल वाला आइकन पर यानी कि थ्री लाइन्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन जो है आ जाएगा, हेल्प एंड सपोर्ट वाला ऑप्शन से, और सेकंड नंबर पर यहाँ पर यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग। तो आपको क्या करना है, यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आपके बैंक अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएंगे, जो भी बैंक आपने यहाँ पर ऐड कर रखी है पहले से वो यहाँ पर शो कर जाएंगे। उसके बाद में गाइस अभी हमको क्या करना है, हमको बैंक अकाउंट को ऐड करना है। एक और बैंक अकाउंट को मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ऐड अनदर बैंक अकाउंट वाला एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे बहुत सारी बैंक हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। अगर सर्च वाले ऑप्शन से भी नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप इसे करके देख सकते हो, वैसे मिली जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं तो सर्च वाले ऑप्शन से तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। अभी मैं आपको बैंक अकाउंट को ऐड करके दिखा देता हूँ। ऐड करने के लिए मैं कोई सी भी एक बैंक यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, मैंने इसको यहाँ से चूज़ किया। कन्फर्मेशन ली जा रही है और नीचे आप देख पाओगे कि बैंक लिंकेड सक्सेसफुली, हमारी जो बैंक है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। मैसेज आ चुका है कि हमारी बैंक जो है लिंक हुई है कहीं पर, तो यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर हमारी जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो शो कर रही है। कुछ इस तरह से आप इसमें बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। अभी अगर आपको किसी बैंक को यहाँ पर प्राइमरी सेट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो टिक वाले निशान दे रखे हैं आप यहाँ से इसको प्राइमरी सेट कर सकते हो। पर फिलहाल हमारी एक बैंक प्राइमरी यहाँ पर पहले से सेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप एक ही बैंक अकाउंट को ऐड करोगे इसमें तो वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी सेट रहेगी, लेकिन अगर आप इसमें से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो काफ़ी आसान तरीके से। गाइस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस तरह से आप पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर में बैंक अकाउंट को ऐड करोगे। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको गाइस मिलती रहे।